हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बनाना से पैनकेक बनाने की रेसिपी। यह है बहुत जल्दी रेडी जाती है और ये बहुत हेल्दी भी है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका बैटर रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है ये एक बड़ा बाउल। इसमें अब हम डाल लेंगे 3/4 कप मैदा और ये मैंने लिया है गेहूं का आटा, वो भी हम इसमें मिला लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून पाउडर शुगर, आप कम ज़्यादा अपने अनुसार डाल सकते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, ये मैंने लिया है इलायची पाउडर, और ये मैंने आधा छोटी चम्मच डाला है ये बेकिंग पाउडर। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अब हम साइड में रखेंगे और ये मैंने लिया है एक बनाना। बनाना के हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे, आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं दूध डालकर। मैं इसे ऐसे ही काट कर इसे मैश करूंगी। देखिए, अब मैं इसे फॉक से अच्छी तरह से मैश कर लूंगी, ये इजीली मैश हो रहा है। देखिए, इसको मैंने मैश कर लिया है। अब हम लेंगे दूध, मैंने ये 1 कप दूध लिया है। अब दूध हम इस बनाना में डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे वेनिला एसेंस। और ये मैंने लिया है घी। इन दोनों को डालकर हम एक बार और मिक्स कर लेंगे। देखिए, इन सबको हमने मिक्स कर लिया है। अब हम लेंगे मैदा और आटा, उसमें हम ये बनाना डाल लेंगे और इसे हम मिक्स करेंगे। हमें इसका एक बैटर रेडी करना है। ये थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, मैंने जो दूध बचा के रखा था वो हम इसमें डाल लेंगे और इसे मिक्स करेंगे। हमें इसको बिल्कुल फ्लफी बनाना है। जो पूरा दूध मैंने इसमें डाल लिया है, मैंने पूरा 1 कप दूध यूज में लिया है। इसे हमें मिक्स करता रहना है जब तक ये फ्लफी नहीं हो जाता है। आप देख सकते हैं हमारा बैटर रेडी है। की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल पकोड़े के घोल की जैसे रेडी है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट करने को रख देंगे। फिर इसके बाद हम बनाएंगे ये हमारा बनाना पैनकेक, जिसके लिए मैंने लिया है तवा। उस पर हम लगा लेंगे घी और इसको हम चारों तरफ से फैला लेंगे। हमने इसको पूरा चिकना कर लिया है। हमारा तवा को तेज गर्म नहीं रखना है, इसे थोड़े मीडियम फ्लेम पे कर ही हम इसमें बनाना पैनकेक बनाएंगे। देखिए, हमारा तवा गरम हो गया है। अब हम इस पे इस तरह से हमारा बैटर डालेंगे और इसे हमें 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही रहने देना है। देखिए, इसमें बबल्स आ गए हैं, आप देख सकते हैं ये नीचे से सिक गया है। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। देखिए, इसमें कितना प्यारा कलर आया है। दूसरे साइड से भी हम इसे ऐसे ही सिकने देंगे। देखिए, इसमें ब्राउन कलर आ गया है अच्छे से। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा फ्लफी बनाना पैनकेक रेडी है।